गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड दिस इज इब्राहिम सर फ्रॉम एडवांस रिसर्च सेंटर। ओके, माय ऑफलाइन कोचिंग सेंटर एड्रेस इज बिहाइंड सिया बाबू पेट्रोल पंप, पटना गया रोड। एंड माई कॉन्टैक्ट नंबर इज 8210221913। यू कैन ज्वाइन माई ऑफलाइन क्लास। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वॉट हैपन्स वेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ ट्रांसपेरेंट सर्फेस। क्या होगा अगर एक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो ट्रांसपेरेंट सर्फेस पर। ये ट्रांसपेरेंट सर्फेस जो है आपका वाटर हो सकता है, इट कैन बी योर ग्लास स्लैब। तो लेट्स कंसिडर अ ट्रांसपेरेंट सर्फेस। ये ट्रांसपेरेंट सर्फेस दिया हुआ है। ओके, और ये इट कैन बी अ ग्लास, इट कैन बी अ वाटर, एनीथिंग। और इसका एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा एंड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी हायर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। नाउ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट। एक लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रहा है। यू कैन सी कि एक लाइट जो है वो इंसिडेंट है टू द सर्फेस ऑफ दिस ग्लास। अब देखो क्या होगा कि ये लाइट जो है वो एयर से, नाउ इट इज कमिंग टू दी डेंसर मीडियम। तो जब वो लाइट इंसिडेंट होगा सरफेस पे तो क्या होगा, इट विल रिफ्लेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द रे दैट इज कमिंग दैट विल बी कॉल्ड एज इंसिडेंट रे एंड दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्लेक्टेड रे। एंड यस, वन रे इज ऑल्सो देयर दैट इज कॉल्ड एज अ, ये जो रे होगा दैट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टेड रे। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो एयर में ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेयर एज रिफ्रैक्टेड जो रे है वो आ जाएगा कहाँ, इनसाइड द ग्लास। एंड व्हाट विल हैपन, चूंकि रे जो है इट इज कमिंग फ्रॉम डेंस रेयरर टू डेंसर मीडियम, सो इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। आप देख सकते हैं ये रे जो है इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, सो दिस इज द रिफ्रैक्शन। नाउ सम ऑफ द रेज कैन बी अब्सॉर्ब्ड बाय द सरफेस टू। So, law of reflection. So, first we will study what is the law of reflection and then we will come to what is law of refraction. So, anyone can say what is the law of reflection? So, first law of reflection. So, angle of incidence and the angle of reflection are equal. Meaning that the incident angle. What is the incident angle? Incident angle is the angle which the incident ray makes with the normal. Okay, and reflected angle is the angle which the reflected ray makes with the normal. Okay, so according to first law of reflection of light, what will happen, that that is angle I must be equal to angle R. Okay, now incident, second law of reflection states that the incident ray, reflected ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. Okay, so now let's consider about the refraction. Refraction ke bare mein, acha ye jo second law hai ke incident ray, the reflected ray and the normal at the point of incidence all lie on the same plane, it means ke iska matlab ye hai ke agar jaise board, this is my board, ye ek board hai, theek hai, agar is board pe let's consider ke maan lo is board pe hum log consider karte hain ke agar ये मेरा एक सरफेस है ग्लास, दिस इज द ग्लास सरफेस। अब यहां पे मान लो इस ग्लास पे ये जो है वो नॉर्मल है। अब एक रे इस पे इंसिडेंट है, ओके, इट इज मेकिंग एन एंगल आई, ये इंसिडेंट रे है एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे व्हिच इज मेकिंग एन एंगल आर। ओके, तो देखो जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है और नॉर्मल, ये जो है एक ही प्लेन पे लाई करेगा, दिस प्लेन इज द प्लेन ऑफ द बोर्ड। ऐसा नहीं होगा कि रिफ्लेक्टेड रे जो है ना वो आउट ऑफ द बोर्ड आ जाए। तो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या स्टेट करता है, दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सो आई थिंक दैट यू मस्ट हैव गॉट दिस, सब कुछ समझ में आया होगा। तो हम लोग थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, रिफ्रैक्शन हम लोग अभी रिफ्रैक्शन देखेंगे, व्हाट इज रिफ्रैक्शन। ओके, सो वी हैव बीन गिवन टू मीडियम, वन इज ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एंड अदर इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। ओके, सो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इट पासेस अक्रॉस द बाउंड्री सेपरेटिंग टू मीडिया काउज बाई चेंज इन स्पीड। अब क्या होगा
कि अगर ऑप्टिकली रेयर मीडियम से अगर लाइट जो है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में आता है तो रेयर मीडियम में लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी और डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। तो लाइट की चूँकि लाइट जो है वो ऑप्टिकली रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर आ रहा है तो इसकी स्पीड घट जाती है, और स्पीड घटने की वजह से क्या होता है कि जो ये रिफ्रैक्टेड रे है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। सो दैट इज अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कि अगर एक लाइट रे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, सो दिस इज द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, नाउ इट हैज बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अच्छा, इसका अपोजिट होगा, अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आएगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसका कन्वर्स होगा। ओके, नाउ रिफ्रैक्टेड रे इज बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन, अगर ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आएगा तो क्या होगा। देखो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सो ऑप्टिकली डेंसर से ऑप्टिकली रेयर मीडियम में आएगा तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे अगर पानी से अगर एयर में रे आता है तो व्हाट विल हैपन, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एवरीवन गॉट इट? तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड रे है इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो इस तरह का जो एनिमेटेड कोर्स है हम लोग कंप्लीट लॉन्च कर रहे हैं फॉर क्लास 9, 10, 11, 12। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें यस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस कोर्स। तो ये कोर्स जो है आपके लिए हम लोग लॉन्च करेंगे, तभी लॉन्च करेंगे जब आपका एप्रिसिएशन मिलेगा। और इस तरह का कोर्स कंप्लीट विद कंप्लीट सोल्यूशन इन द फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इसी तरीके से हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। तो मेरा नाम है MD तौसिफ इब्राहिम और आई एम पॉपुलरली नोन एज इब्राहिम सर। मेरा ऑफलाइन कोचिंग सेंटर है जहानाबाद में बिहाइंड सिया बाबू पेट्रोल पंप, एंड सूनर वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग इन पटना बाय इब्राहिम सर्स एडवांस रिसर्च सेंटर के नाम से। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और हमें सपोर्ट करें, डैट्स वॉट वी वॉन्ट। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ अगर मान लो ये मेरा एक इंसिडेंट रे है, मान लो यहाँ पे मेरा एक रे जो है वो इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल हुआ टू द सरफेस, तो क्या होगा, इट विल जस्ट रिफ्लेक्ट बैक। जैसे कि बॉल हम लोग फेंकते हैं दीवार पे परपेंडिकुलरली, तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। नाउ अब देखो इस कंडीशंस को हम लोग देखते हैं, पहला मेरा मीडियम दिया हुआ है मीडियम वन, दूसरा दिया हुआ है मीडियम टू जो ऑप्टिकली डेंसर है, तो रे क्या होगा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन अब हम लोग फॉर्मली स्टेट कर देते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो इस तरह का कोर्स में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि एवरीथिंग इज एनिमेटेड और काफी क्लियर है, और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो पहला जो हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने देख लिया था क्या है, इंसिडेंटली रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सो ये हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया था। ओके, सो फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट, पहला लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो देखो जो फर्स्ट जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ओके, नाउ ये मेरा प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, और मीडियम वन से मीडियम टू में जो है वो रे आ रहा है, तो मीडियम वन जो है वो क्या है, ऑप्टिकली रेयरर है, और मीडियम टू जो है वो ऑप्टिकली डेंसर है, तो रे विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में हम लोग क्या पढ़ने वाले, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन स्टेट, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई ऑन टू द सेम प्लेन, ये हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा हम लोग लॉ देखते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को ही हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, और ये स्नेल्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे अगेन मेरा साइन और कोसाइन फंक्शन आ जाएगा। तो ये क्या बोलता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ये बोलता है इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन द इंसिडेंट एंड रिफ्रैक्टेड एंगल्स एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ द मीडियम। तो ये क्या है कि इंसिडेंट जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड रे है, और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम वन और मीडियम टू का उसको रिलेट करता है, यानी इंसिडेंट रे
इंसिडेंट रे का जो इंसिडेंट रे एंगल बनाता है नॉर्मल के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू के बीच का रिलेशन देता है. तो ये रिलेशन है क्या, उसको हम लोग देखेंगे. ओके हाँ, तो ये हो गया मेरा इंसिडेंट रे. ओके, द इंसिडेंट रे विच इज मेकिंग विद द नॉर्मल एंड दिस इज माई रिफ्रैक्टेड रे. तो रिफ्रैक्टेड रे क्या है, द रे विच द यस विच द रिफ्रैक्टेड रे मिक्स विद द नॉर्मल. ओके, सो दिस इज सो व्हाट इज द स्नेल्स लॉ. It says, let's assume that mu1 be the refractive index of medium 1 and mu2 be the refractive index of medium 2. अच्छा यहाँ पे तुम बता सकते हो कि क्या बोलता है, mu1 times sine of I must be equal to mu2 times sine of R. यानी refractive index of medium 1 multiplied by sine of incident angle must be equal to refractive index of medium 2 times साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड रे. अब देखो यहां पे थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है रिफ्रैक्टेड रे में, शायद ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होगा, ना कि वो इंसिडेंट रे के बीच का एंगल. ठीक है ना, अगर म्यू वन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर म्यू वन जो है मालूम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एयर है, अगर मेरा पहला मीडियम एयर हो जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. ठीक है, और म्यू टू जो होगा वो ग्लास है विच इज अ डेंसर देन एयर, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू हो जाएगा. ओके, तो हम लोग कह सकते हैं म्यू वन तो 1 हो गया, तो साइन ऑफ आई मस्ट बी इक्वल टू म्यू टाइम्स साइन ऑफ आर. एंड हम लोग कह सकते हैं कि 1 अपॉन म्यू मस्ट बी इक्वल टू साइन आर अपॉन साइन आई. ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है. और रिफ्रैक्टेड रे जो यहाँ पर है ना, शायद थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो रहा है. रिफ्रैक्टेड रे जो होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सर्फेस, नॉट टू दैट. सो नॉर्मल टू द सर्फेस पे बनाओ. ओके, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम क्या होता है, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मीडियम का होता है वो क्या होता है, कोई बता सकता है. ओके, इट इज द एक्सटेंट टू विच द रिफ्रैक्टिव मीडियम increases or decreases the speed of the light. तो जितना ज़्यादा refractive index होगा उतना कम जो है वो velocity of light हो जाएगा, और जितना कम refractive index होगा उतना तेज़ उसमें velocity of light हो जाएगा. जैसे पानी में अगर light आएगा तो of course उसकी velocity, light की velocity पानी में कम होगी बजाय के air में. ठीक है, सो मैथमेटिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, speed of the light in the incident medium divided by speed of the light in the refracted medium. Speed of the light in the incident medium upon the speed of the light in the refracted medium. इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Okay? और medium 2 क्या है, medium 2 जो है वो है मेरा जो जिसमें ray मेरा refract हो रहा है. medium 1 क्या है, जहाँ से ray आ रहा है. जैसे medium 1 जो है वो मेरा air है, और medium 2 क्या है मेरा, वो glass है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर जो होगा वो हो जाएगा स्पीड ऑफ द लाइट इन द एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन द ग्लास, ग्लास में जो स्पीड ऑफ द लाइट होगा. ओके, सो स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 1 डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ द लाइट इन मीडियम 2, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1. यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर and that will be equal to v1 upon v2, velocity of light in medium 1 jo air mein velocity hogi divided by velocity of the light in medium 2 jo meri glass mein velocity hogi. Of course jo velocity glass mein hogi wo kam hogi aur jo velocity jo air mein hogi wo zyada hogi, isliye refractive index jo hoga wo 1 se bada hoga yahan pe. Okay, now Snell's law ek bar phir se hum log dekh lete hain, what is Snell's law. Okay, so incident ray. ओके, दिस इज अ इंसिडेंट एंगल एंड दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे. रिफ्रैक्टेड रे जो होगा उस फर्स्ट कंडीशन में गलत है. रिफ्रैक्टेड रे जो होगा इट विल बी द एंगल बिटवीन द रे और रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फॉर्मली ये इंसिडेंट हो गया मेरा रे और वो रिफ्रैक्टेड रे हो गया. सो स्नेल्स लॉ हम लोग डिफाइन कर देते हैं. तो यहाँ पर हम लोग क्या दिखाया क्या कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 होगा वो साइन ऑफ आई डिवाइडेड बाई साइन ऑफ आर होगा. यानी इंसिडेंट एंगल, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ
refracted angle. Okay, so mu 21 refractive index of medium 2 with respect to medium 1. mera medium 2 jo hai kya ho sakta hai, glass ho sakta hai, it can be a water, or medium 1 jo hai wo air ho sakta hai. So it is a refractive index of medium 2 with respect to 1. Okay, so speed of the light in the medium 1 divided by speed of the light in medium 2 ho jayega. Okay, so that is called as a refractive index of medium 2 with respect to 1. Dekho, medium 2 with respect to 1, to denominator mein speed of the light in medium 2 hi aayega, aur numerator mein speed of the light in medium 1 aayega. Theek hai, so which is equal to velocity v1 upon v2, velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि refractive index जो glass का होगा with respect to air greater than 1 होगा. क्यों? चूंकि velocity of light medium 1 यानी air में ज़्यादा होता है बजाय के velocity of light in glass और water. तो glass और water में velocity घट जाता है, which is the velocity of light in medium 2, जो V2 है, तो V2 कम होगा किससे? V1 से, जिसकी वजह से refractive index of medium 2, यानी glass का refractive index with respect to air greater than 1 हो जाता है. Now, कुछ materials है और उसका refractive index दिया हुआ है. Air का approximately 1 है, उसका आइसक्रीम का 1.31 है, वाटर का 1.33 है, रॉक सॉल्ट का 1.54. तुम देख सकते हो कि जो भी मीडियम है, डेंसर मीडियम है, सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, है ना? सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है. ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है? 1.33. अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कोई बता सकता है? Anyone? कोई अगर बता सकता है तो प्लीज टेल कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33 है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ठीक है ना? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ओके, सो इट इज अ कंप्लीट डेरिवेशन स्नेल्स लॉ का. अगर आप लोग मेरा क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो प्लीज राइट इन द कमेंट कि सर इस तरह का क्लास हमें पसंद आ रहा है ना, वी वांट टू ज्वाइन द क्लास, सो आई विल कम विद द कंप्लीट कोर्स. इस तरह के कंप्लीट कोर्स के साथ हम लोग आएंगे. तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं स्नेल्स लॉ. तो साइन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल डिवाइडेड बाई साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल मस्ट बी इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, एंड दैट इज इक्वल टू velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2. And so refractive index of medium 2 with respect to 1 kya hoga? It will be equal to v1 upon v2. Hum logon ne wahan pe is tarah se define kiya hai, theek hai? Where c is the speed of the light. Ye derivations aap log dekh sakte hain, and finally you will prove that refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to velocity of light in medium 1 divided by velocity of light in medium 2 ho jayega. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि v1 जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 है, और v2 जो है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 है. I जो है वो इंसिडेंट एंगल है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल, एंड R जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल है विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. सो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, द इंसिडेंट पहला लॉ यही था, जो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वही फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है. द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन. दूसरा जो है वो है मेरा ओके, लेट्स सी.